केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बीजेपी नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने बीजेपी से नाराज चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की। बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भाजपा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, हमारे यहाँ भाजपा के संविधान के अनुसार ही टिकट मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तोमर अब पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाएंगे। तोमर नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक में उनसे चुनावों को लेकर सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों को प्रदेश की टीम को सौंपे जाएंगे और सुझावों के आधार पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इस बैठक का उम्मीदवार के चयन से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, भाजपा का अपना संविधान है, उसके आधार पर भाजपा में प्रत्याशी का चयन किया जाता है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और ये बैठकें पूरे प्रदेश भर में चल रही हैं और मुझे लगता है कि एक बैठक शेष बची है बालाघाट की और आज लगभग सभी जिले संपन्न हो गए हैं। इन बैठकों में चुनाव की दृष्टि से क्या क्या करना चाहिए इस मामलों में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। जो उनके सुझाव आएंगे उन सब सुझावों को प्रदेश की टीम के सामने रखा जाएगा और उन सुझावों के आधार पर जो रोड मैप आगे का बनाना है वो बनाएंगे तो अधिक लाभप्रद होगा। इसलिए ये प्रवास की योजना पूरे राज्य में बनाई गई है और निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। दिग्विजय सिंह के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हे महाकाल सिंधिया जैसा दल बदलू अब कांग्रेस में पैदा ना हो, उनके इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान को तो कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती है, तो फिर हम क्यों लें। दिग्विजय सिंह टाइम पास करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं जो काफी निंदनीय है और निरर्थक है। देखिए दरअसल क्या है, दिग्विजय सिंह जी जो बयान देते हैं उस बयान को कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। बयान नीति संगत हो, तर्क संगत हो तो बयान की गंभीरता लोग समझते हैं। टाइम पास करने के लिए कुछ भी बयान देना ये निरर्थक है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।